सो नाउ वी विल सी द डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स कि ब्लड वेसल्स की कितनी टाइप्स होती हैं. सो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ द ब्लड वेसल्स प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी. फर्स्ट टाइप इज द आर्टरी, सेकेंड इज द वेन, थर्ड इज कैपिलरी. तो फर्स्ट इज आर्टरी. जो आर्टरी होती है दैट कैरीज द प्योर ब्लड, इट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड. ये ऐसा ब्लड को कैरी करती है जिसमें ऑक्सीजन डिजोल्व होता है, आई मीन ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है. तो आर्टरीज ऐसी ब्लड वेसल्स हैं जो कि प्योर ब्लड को कैरी करती है. तो फर्स्ट पॉइंट इज दीज हैव थिक इलास्टिक एंड मस्कुलर वॉल्स विच कैरी ब्लड एट हाई प्रेशर. मतलब कि जो आर्टरीज होती हैं, ये ब्लड वेसल्स हैं जो हमारी आर्टरीज हैं. अब इनकी जो वॉल्स देख रहे हैं आप, ये वाली वॉल्स, ये मोटी होती हैं, थिक होती हैं. इलास्टिक होगी, थिक एंड इलास्टिक होने की वजह से ये क्या होती है कि इसमें जब ब्लड फ्लो होता है तो जो ब्लड फ्लो होता है तो बहुत हाई प्रेशर पे होता है, बहुत हाई प्रेशर पे होता है. हाई प्रेशर इसमें क्यों होता है, क्योंकि ये आर्टरीज ब्लड को कैरी करती हैं फ्रॉम द हार्ट. जब आपके वेंट्रिकल्स पंप करते हैं, जो वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कॉन्ट्रैक्शन के समय ये जो वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तब जब उनमें से ब्लड निकल के आता है तो उसमें प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, उसकी स्पीड ज्यादा होती है ब्लड की. ठीक है, तो जब भी ब्लड पंप हो, आई मीन जब हार्ट आपका पंप होता है, ब्लड निकल के बाहर आता है. ठीक है, तो जब भी ब्लड बाहर आता है आपके हार्ट से तो हमेशा ये आर्टरीज के थ्रू ही कैरी किया जाता है, क्योंकि आपकी आर्टरीज के पास जो वॉल्स होती है वो थिक होती है, इलास्टिक होती है. और इनकी वॉल्स थिक होने की वजह से क्या होता है कि जो ब्लड वेसल्स हैं वो कोलैप्स नहीं होती. ठीक है, प्रेशर को हैंडल कर लेती है. तो जो ब्लड वेसल्स हैं वो कोलैप्स ना होने का रीजन यही है क्योंकि दीज हैव द थिक एंड इलास्टिक वॉल्स. इसी वजह से व्हेन एवर द ब्लड इज मूविंग आउट ऑफ द हार्ट इट इज कैरीड ओनली बाय द आर्टरीज. नेक्स्ट पॉइंट इज दीज डू नॉट हैव वॉल्व्स. अब इनके इन ब्लड वेसल्स में वॉल्व्स एब्सेंट होते हैं. वॉल्व्स मतलब कि जितनी भी ब्लड वेसल्स होती हैं, आई मीन अगर मैं दूसरी ब्लड वेसल की बात करूं, वेन की बात करूं, तो उनमें वॉल्व्स ओपन होती हैं. वॉल्व्स क्या है, वॉल्व्स गेट के जैसे हैं, गेट्स के जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनका स्ट्रक्चर ऐसा होता है. तो जब भी ब्लड पास होता है तो ये ओपन हो जाते हैं गेट्स. ठीक है, वॉल्व्स ओपन हो जाते हैं, फिर बाद में क्लोज हो जाते हैं. बट आर्टरीज की अगर मैं बात करूं तो आर्टरीज में हमें कोई डिमांड नहीं है वॉल्व्स की. क्यों डिमांड नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपके आर्टरीज में जो ब्लड फ्लो हो रहा है वो बहुत हाई प्रेशर से हो रहा है. अब हाई प्रेशर से जब ब्लड निकलेगा तो उसमें हमें गेट्स की जरूरत नहीं है. ऑटोमेटिकली आपका जो ब्लड है वो बहुत हाई स्पीड से जाएगा और अलग अलग पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. तो आर्टरीज के केस में हमें डिमांड नहीं है कि हमें वॉल्व्स चाहिए. ठीक है, सो दीज डू नॉट हैव वॉल्व्स. इनमें वॉल्व्स नहीं होते हैं बिकॉज द ब्लड विच इज फ्लोइंग इनसाइड द आर्टरी इट इज फ्लोइंग एट हाई प्रेशर. व्हाई, इट इज कमिंग आउट फ्रॉम द वेंट्रिकल. वेंट्रिकल से जब आ रहा है तो मतलब प्रेशर ज्यादा है. ठीक है, तो इस वजह से जो इनमें वॉल्व्स की हमें जरूरत नहीं है. नेक्स्ट पॉइंट इज दे कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट ऑर्गन्स. यस, आर्टरीज जो होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब प्योर ब्लड कैरी करती है. अगर मैं बात करूं सभी आर्टरी की, बट देयर इज एन एक्सेप्शनल केस. इसमें भी एक एक्सेप्शनल केस है, मतलब जो आपकी पल्मोनरी आर्टरी होती है ये एक सिंगल एक्सेप्शनल केस है जो कि इम्प्योर ब्लड को कैरी करती है. ठीक है, अब आपको थोड़ा याद होगा सपोज ये हार्ट है, तो इसमें आपको पता है कि जो बॉडी पार्ट से जो ब्लड लेके आ रहा है, जब ब्लड आ रहा है वो वेन्स के थ्रू आएगा और राइट वेंट्रिकल में जाएगा. राइट ब्लड बॉडी पार्ट से जो ब्लड आ रहा है वो आपका राइट ऑरिकल में आएगा जो कि वेन्स लेके आएंगे. ठीक है, उसके बाद आपका ब्लड आ जाएगा राइट वेंट्रिकल में, यहां से फिर आपको पता है यहां से निकल के जाएगा और आपका लंग्स के पास जाएगा. ठीक है, तो जब राइट वेंट्रिकल ये वाले चैम्बर से लंग्स के पास आपका ब्लड जा रहा है तो यही आपका पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जा रहा है. ठीक है, और जब वेंट्रिकल से जा रहा है मतलब कि ये पंप कर रहा होगा, पंप कर रहा है तो यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है, तो आर्टरी के थ्रू जा रहा है ना, तो आर्टरीज के थ्रू जा रहा है मतलब कि प्रेशर को ये हैंडल कर लेगा.
तो पल्मोनरी आर्टरी जो है वो एक्सेप्शनल आर्टरी है दैट कैरीज द ब्लड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल टू द लंग्स। नेक्स्ट आपका है कि लार्जेस्ट आर्टरी। लार्जेस्ट आर्टरी मतलब सबसे बड़ी जो आर्टरी है, ठीक है, जो डायरेक्टली हार्ट पे कनेक्टेड रहती है, हार्ट से कनेक्टेड होती है, फिर वो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है और सर्व करती है अपर पार्ट्स में, लोअर पार्ट्स में। तो जो लार्जेस्ट आर्टरी है दैट इज एओर्टा। एओर्टा लार्जेस्ट आर्टरी है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम देखते हैं वेन्स के बारे में। तो वेन्स क्या होती हैं? वेन्स भी ब्लड वेसल्स हैं। ये भी ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके पास थिन वॉल्स हैं, कम इलास्टिक होती हैं, ठीक है, कम इलास्टिक है अगर आर्टरी के कंपेयर में, लेस थिन होती हैं, पतली वॉल्स इनके पास हैं और ये इम्प्योर ब्लड को कैरी करती हैं, ठीक है। तो इनमें जो वेन्स होती हैं, वेन्स हमेशा ब्लड को लेके आएगी बॉडी ऑर्गेन्स के पास से, मतलब बॉडी ऑर्गेन्स हैं, आपके सेल्स हैं, आपके टिश्यूज हैं, वहां से ब्लड को लेके आएगी हार्ट की तरफ। तो आप खुद ही सोचिए, तो आप देखिए कि जब बॉडी ऑर्गेन से ब्लड आ रहा है तो उसमें स्पीड, उसमें जो प्रेशर होगा वो ऑलरेडी कम होगा प्रेशर, क्योंकि जो टिश्यूज या ऑर्गेन्स है वो पंप नहीं कर रहे हैं हमारे हार्ट की जैसे। तो ऑर्गेन से टिश्यूज के पास से जब ब्लड आएगा तो उसकी स्पीड और उसकी जो प्रेशर है, उसमें जो प्रेशर है वो बहुत कम रहेगा, ठीक है। और प्रेशर कम होने की वजह से इसमें कोलैप्स होने का डर नहीं है जो कि आर्टरी में था, ठीक है। तो इस वजह से इनकी जो दीवारें होती हैं, जो वॉल्स होती हैं, वो पतली होती हैं और इनमें इम्प्योर ब्लड फ्लो करता है एट लो प्रेशर। व्हाई? बिकॉज द ब्लड विच इज कैरीड बाय द वेन्स, इट इज कमिंग फ्रॉम द बॉडी ऑर्गन्स और द टिश्यूज टुवर्ड्स द हार्ट, हार्ट की तरफ। दीज हैव वॉल्स टू प्रिवेंट बैक फ्लो। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपकी जो वेन्स होती हैं, वेन्स ब्लड को नीचे से लेके आ रही है, लेग से भी लेके आ रही है, ऊपर से लेके आ रही है। ऊपर से तो चलो हमें पता है कि ऊपर से ब्लड नीचे ही जाएगा, बट आपके लेग से जब ब्लड ऊपर आएगा हार्ट के पास, तो हार्ट के पास जब ब्लड आएगा तो ये पॉसिबिलिटी है कि आपका ब्लड ऊपर फ्लो होते होते वो बैक फ्लो भी हो जाए, वापस नीचे भी फ्लो हो जाए, ठीक है। इससे बचने के लिए आपकी जो वेन्स होती है इसमें गेट्स होते हैं, ऐसे पूरे गेट्स होते हैं। मतलब कि जैसे ही आपका ब्लड यहां गया तो आपने देखा जैसे ही ब्लड ये गया तो ये वाली वॉल्व ओपन हो गई। ये वॉल्व जैसे ही ओपन होके आगे पहुंचा ब्लड आपका तो ये हो गई क्लोज, ये हो जाएगी बंद। वापस ये ऊपर जो गया ब्लड है वो वापस पीछे नहीं हो पाएगा, बैक फ्लो नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब ये ब्लड जैसे ही ऊपर जाएगा तो नेक्स्ट जो वॉल्व रहेगी वो क्लोज हो जाएगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट करते करते ऐसे जो वॉल्व अवेलेबल होती है वेन्स में वो ओपन होती है, क्लोज होती है। क्यों हो रही है? क्योंकि वो वापस आपका जो ब्लड है वो बैक फ्लो ना कर जाए, पीछे वापस ट्रेवल ना करे, ठीक है। तो यही वॉल्व का काम है। दीज हैव वॉल्व्स टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड। आर्टरीज में हमने देखा था कि उनके पास कोई भी वॉल्व्स नहीं होती है क्योंकि उनके पास प्रेशर ज्यादा है, ब्लड ऑटोमेटिकली आगे ही फ्लो करेगा, पीछे होने की कोई चांस ही नहीं है, पीछे बैक फ्लो होने का कोई चांस नहीं है आर्टरी के केस में। बट इसके केस में बैक फ्लो होने का पूरा चांस है क्योंकि इसमें जो प्रेशर है वो बहुत कम प्रेशर है, तो वो पीछे फ्लो हो सकता है। दैट्स व्हाई दीज हैव वॉल्व्स। दीज ओके। नेक्स्ट पॉइंट इज दीज कैरी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द डिफरेंट ऑर्गन्स। अब हमें पता है, अब हमें ये चीज पता है कि जो सेल्स वगैरह होती हैं, जब उसमें फूड बर्न होता है तो उसमें CO2 प्रोड्यूस होता है। अब CO2 ये जाएगा ब्लड में, ठीक है, ब्लड में जाएगा। अब ये ब्लड जिन ट्यूब्स में बह रहा है वही आपकी वेन है, ठीक है। तो CO2 अवेलेबल मतलब आपका ब्लड हो गया इम्प्योर। तो इम्प्योर ब्लड मतलब डीऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीजनेटेड मतलब कि विच कैरीज CO2 डज नॉट कैरी ऑक्सीजन, जिसमें CO2 है जिसमें ऑक्सीजन नहीं है। तो दिस कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। बट इसमें भी एक एक्सेप्शनल केस है, देयर इज एन एक्सेप्शनल केस विच इज पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन, ठीक है, नाम से ही आपको पता है पल्मोनरी वेन। तो वेन एक ऐसी वेन जो कि पल्मोनरी पार्ट पे कनेक्टेड है, आई मीन पल्मोनरी रिलेटेड टू द लंग, ठीक है। तो ऐसी वेन जो कि लंग्स
को हार्ट पे कनेक्ट कर रही है, लंग्स से हार्ट, लंग्स को हार्ट से कनेक्ट कर रही है, ठीक है। अब ये किस किस के बीच में होती है, तो आपको पता होगा कि पल्मोनरी जो वेन होती है वो आपके लंग्स और लंग्स और लेफ्ट ऑरिकल के बीच में जो कनेक्टेड होती है, दिस इज द पल्मोनरी वेन। अब लंग्स के पास से जब ब्लड आ रहा है लेफ्ट ऑरिकल में, तो ऑब्वियसली दिस विल कैरी द प्योर ब्लड, इसमें प्योर ब्लड रहेगा, ठीक है। अब जब प्योर ब्लड है और कैरी कर रहा है वेन, तो दिस इज एक्सेप्शनल, ठीक है। तो यही पल्मोनरी वेन है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये उठेगा आपके दिमाग में कि ये तो वेन है और ये प्योर ब्लड कैरी कर रहा है, तो इसके पास पतली वॉल्स होती हैं, ठीक है, तो क्या ये कॉलेप्स नहीं होगा? सो स्टूडेंट्स, नो, ये कॉलेप्स नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये जो वेन ब्लड कैरी कर रही है, ये ब्लड हमारे लंग्स के पास से आ रहा है, ठीक है। तो लंग्स कोई पंपिंग ऑर्गेन नहीं है, ठीक है, पंपिंग ऑर्गेन नहीं है, मतलब कि जो ब्लड बह रहा है वो बहुत लो प्रेशर पे बह रहा है, ठीक है। अब लो प्रेशर पे बह रहा है जब ब्लड, तो वेन्स में दीवाले थिक हो, इसका कोई इसका कोई रोल नहीं है कि आपके पास जो वेन्स है उसमें थिक वॉल हो, क्योंकि जो प्रेशर है इसमें कम है, क्योंकि लंग्स के पास से आ रही है। अगर आपका जो ब्लड हार्ट से निकल के जा रहा है फिर वेन कैरी करती है, तो वो कोलैप्स होने का डर होता है, बट ये केस है ही नहीं, क्योंकि हमें पता है जब भी ब्लड हमारा हार्ट से निकल के बाहर आएगा, तो इट विल बी ऑल्सो कैरीड बाय द आर्टरीज, नॉट बाय द वेन्स। ये हमेशा आर्टरीज के थ्रू कैरी किया जाएगा, वेन्स के थ्रू नहीं किया जाएगा, बट इस केस में लंग्स के पास से आ रहा है, ठीक है। तो लंग्स के पास से आ रहा है मतलब कि इनके पास प्रेशर बहुत कम है, तो इसमें चांस है ही नहीं कोलैप्स होने का। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट, द लार्जेस्ट वेन इज अ वेना कैवा, लार्जेस्ट वेन जो होती है, सबसे लार्जेस्ट वेन मतलब जो हार्ट से मेन जो वेन आपकी कनेक्ट होती है, उसके बाद वो डिवाइड हो जाती है। मैंने आपको बताया था हार्ट के डायग्राम में कि इन्फीरियर एंड सुपीरियर, ठीक है, तो मेन जो होती है लार्जेस्ट वेन, दैट इज वेना कैवा। उसके बाद लास्ट जो टाइप है ऑफ द ब्लड वेसल, दिस इज कैपिलरीज। कैपिलरीज क्या होती है? तो जो आपकी आर्टरीज होती है, ठीक है, ये आर्टरीज डिवाइड होते होते बहुत माइन्यूट ट्यूब्यूल्स में डिवाइड हो जाती है, बहुत माइन्यूट बारीक बारीक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स में डिवाइड हो जाती है। तो ये मेन आर्टरी है, ठीक है, बड़ी वाली, उसके बाद और डिवाइड हो गई तो आर्टरीज बनाई, ठीक है। आर्टरीज जब और डिवाइड हो जाती है तो फिर बन जाती है आपकी कैपिलरीज, और यही जो आपकी जो दिख रही है आपको, यही आपकी जो और जो डिवाइड हो रही है, यही आपकी कैपिलरीज है, ठीक है। तो आर्टरीज जब बहुत माइन्यूट ट्यूब्यूल्स में डिवाइड होगी, तो वही फॉर्म करेगी कैपिलरीज। आर्टरी डिवाइड्स इनटू स्मॉलर वेसल्स नोन एज कैपिलरीज ऑन रीचिंग एन ऑर्गन, मतलब ऑन रीचिंग एन ऑर्गन और टिश्यू, मतलब जब वो टिश्यू के पास जाएगी या ऑर्गन के पास जाएगी, तो वो कैपिलरी में कन्वर्ट हो जाएगी, कौन? आपकी आर्टरी, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो कैपिलरीज है, इनकी जो दीवालें होती है वो बहुत पतली होती है, इतनी पतली होती है कि वो वन सेल थिक है। वन सेल थिक मतलब एक लेयर है और उसमें एक सेल की लाइन है, कहने का मतलब एक लेयर है उनकी और वो वन सेल थिक है, एक सेल से इतनी पतली, मतलब एक लेयर है जो सेल की बनी है और इतनी ही पतली आपकी कैपिलरी होती है। अब इतनी पतली होने का काम क्या है, रोल क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है? तो इम्पोर्टेंस ये है कि ये इतनी पतली जो होती है, इसकी वजह से जो प्रॉपर एक्सचेंज है ना मटेरियल्स का, वो इजीली हो जाता है बिटवीन द ब्लड एंड द सराउंडिंग सेल्स, है ना। मतलब यहाँ पे जो सेल्स वगैरह होंगी, तो सेल से कोई सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करना होगा, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट करने की वजह कैसे हो पाएगा, कोई सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करना है सपोज, तो इन कैपिलरीज के थ्रू ही होगा, क्योंकि वॉल्स इनकी बहुत पतली हैं, ठीक है। तो कोई सब्सटेंस अंदर बाहर इजीली आ जा सकता है, एक्सचेंज हो सकता है बिटवीन द ब्लड एंड द सराउंडिंग सेल्स और द ऑर्गन टिश्यूज। द वॉल्स आर वन सेल्ड थिक एंड ऑल्सो हैव वॉल्स, इनके पास भी वॉल्स होती हैं, मतलब इनके पास भी वो गेट्स होते हैं, वॉल्स होती हैं, ताकि बैक फ्लो ना हो जाए ब्लड का, ठीक है। क्यों होती है इनके पास वॉल्स? क्योंकि जब आपका ब्लड हार्ट से जब ऑर्गेन्स तक जाता है, तब तक उनकी स्पीड थोड़ी सी कम हो जाती है, थोड़ी सी कम हो जाएगी, तो उस कंडीशन में वो बैक फ्लो ना हो आपका ब्लड, इस वजह से इनके पास भी क्या होती है, वॉल्स होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज दे हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम द ब्लड एंड द सराउंडिंग सेल्स।
अभी आप देख सकते हैं ये सेल्स वगैरह बनाई है, ये कैपिलरीज हैं, कोई भी सब्सटेंस वगैरह है तो इजीली एक्सचेंज हो सकता है उसका अंदर बाहर। फिर ये आपकी वेन्यूल्स हैं, वेन्यूल्स मतलब कि जो फाइन ट्यूब्यूल्स होती हैं वेन्स की, क्योंकि हर जगह तो मोटी वेन अवेलेबल नहीं हो सकती, उसको भी डिवाइड होना पड़ेगा, बहुत ज्यादा ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, नेटवर्क बनाना पड़ेगा, तो वेन्यूल्स होती हैं। जब बहुत सारी वेन्यूल्स एक ज्वाइन होती हैं तो वो एक मेन ट्यूब बनाती है, ब्लड वेसल बनाती है, जिसे हम वेन बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा कनेक्ट होता है आपका आर्टरी, आर्टरी डिवाइड आर्टरियोल्स में, आर्टरियोल्स डिवाइड होती हैं, होती है कैपिलरीज में, कैपिलरीज यहाँ कनेक्टेड होती हैं, फिर उसके बाद वेन्यूल्स से कनेक्टेड रहेंगी, फिर वेन्यूल्स ज्वाइन होते हैं, वेन्स बनाते हैं, फिर वेन्स ऊपर आपका हार्ट पे कनेक्टेड रहता है, और आर्टरी जो मेन आर्टरी है वो भी आपकी हार्ट पे कनेक्टेड होती है इन द फॉर्म ऑफ एओर्टा एंड दिस इन द फॉर्म ऑफ वेना केवा। तो दिस इज ऑल अबाउट द ब्लड वेसल्स। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल टॉक अबाउट द ब्लड सर्कुलेशन द डिफरेंट एनिमल्स। थैंक यू।